गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम आपको ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट सिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये नोटपैड विंडो है। नोटपैड विंडो ओपन हो गई और यहाँ पर हमने जो भी चीज़ टाइप किया हुआ है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक, अब हमको क्या चाहिए? ऑर्डर लिस्ट चाहिए, तो इसलिए हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे हेडिंग में हम जो भी डालेंगे, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, वो हमारे जो भी रनिंग पेज होता है जिसमें हम अपना प्रोग्रामिंग रन कराते हैं वो उसमें लिखकर आ जाता है। ये देखिए, इस तरह हमने लिख लिया है ऑर्डर लिस्ट, फिर मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, फिर ऑर्डर लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया, फिर बॉडी, हेड, एचटीएमएल। फाइल को जाएंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया फाइल नेम में? ऑर्डर लिस्ट। देखिए यहाँ क्या डाला है, ऑर्डर डॉट एचटीएमएल। अब इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। ठीक है, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएंगे, फाइल पर जाएंगे और ओपन में आएंगे, ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने में ऑर्डर लिस्ट सर्च करेंगे, ऑर्डर आ गया, ये देखिए, ओके कर दिया। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 सब के आगे देखिए क्या लिख के आ गया, 1, 2, 3, 4। ऑर्डर मतलब क्या होता है? किसी के आगे नंबरिंग आ जाना। ठीक, और अनऑर्डर में क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे देखिए ऑर्डर लिस्ट और यहाँ पे देखिए अनऑर्डर लिस्ट। सॉरी, देखिए हमने इसमें ऑर्डर लिस्ट भी दे दिया है, अनऑर्डर लिस्ट भी। कभी भी हम ऑर्डर लिस्ट देते हैं तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट हमने लिखा टाइटल में, यहाँ पे ओएल टैग हम ओपन करते हैं, और जब ओएल में लिख लेते हैं लिस्ट में हम, तो यहाँ ओएल से हम उसको क्या करते हैं, क्लोज भी करते हैं। सॉरी, गलती हो गई, यहाँ पर होगा ओ एल राइट। और नेक्स्ट में हमने क्या लिया है, यहाँ पे यू एल लिया है, तो यहाँ पर यू एल मतलब अनऑर्डर लिस्ट। और इसको जैसे हमने ओपन में, स्टार्टिंग में ओपन किया है, लास्ट में हम इसको क्या करेंगे, एंडिंग में क्लोजिंग टैग भी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सेव कर लिया, फिर इसको हम अब रन कराते हैं। इस पर देखिए रन कराया हमने, तो फर्स्ट में क्या लिख कर आ गया, ऑर्डर लिस्ट में तो 1, 2, 3, 4 लिख कर आ रहा है, अनऑर्डर लिस्ट में क्या लिख कर आ रहा है, कुछ लिख कर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ डॉट बनकर आ रहा है। तो ये होते हैं आपके क्या, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और बताना है, पेज को जब हम